नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के द्वारा एक खबर को जो है अफवाह के रूप में बताई गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लगेज पॉलिसी जो चलाई जा रही है वह अफवाह। तो ये जानते हैं क्या है इसके नियम और रेलवे ने क्या कुछ नया बताया है। भारतीय रेलवे अपनी यात्रियों को ध्यान में रखते हुए हर एक अपडेट जो है वह आम लोगों के बीच में रख, जिसके तहत रेलवे ने यह बताया जा रहा है कि हम अपने यात्रियों के लिए किस तरह की सुविधा बहाल करते हैं। ऐसे में रेलवे ने एक भ्रामक खबर के बारे में पुष्टि करते हुए बताया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक खबर बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लगेज पॉलिसी में बदलाव किया गया है। यानी कि यात्रा के अगर यात्री ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त किराया देना होगा। हालांकि रेलवे ने अब इस खबर को गलत बताया है, साथ ही साथ यात्रियों को इस खबर के ऊपर विश्वास नहीं करने की भी सलाह दी है। रेलवे ने यह भी कहा है कि रेलवे की लगेज पॉलिसी 10 साल पुरानी है और उसी के अनुसार रेल यात्री अपने साथ सामान ले जा सकते हैं। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि यात्री को ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल न्यूज़ चैनल पर चली खबरों की माने तो उसमें यह बताया जा रहा है कि रेलवे ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है और अब निर्धारित सीमा से ज़्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ सकता है, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर आप तय सीमा से ज़्यादा सामान को ले जाते हैं तो आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ सकता है। साथ ही साथ जुर्माना भी वसूले जाने की बात कही गई है। अब यह खबर तेज़ी से वायरल हो रहा है। तेज़ी से वायरल हो रहे इस भ्रामक पोस्ट को लेकर रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू का इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें रेलवे ने इसको लेकर स्थिति को स्पष्ट किया। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ चैनलों पर एक खबर प्रकाशित की गई है जो कि विगत कुछ दिनों से रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान ले जाए जा सकने वाले सामान की नीति में बदलाव किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई भी सर्कुलर या फिर आदेश जारी नहीं किया गया है। वर्तमान नीति बहुत पुरानी है और 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय से प्रभावी है। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया कि रेलवे में यात्रा के दौरान देखिए स्लीपर क्लास में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इस दौरान आप 40 किलो का सामान जो है अपनी यात्रा के दौरान ले जा सकते हैं। अगर आप AC 2 टीयर में यात्रा कर रहे हैं तो इस दौरान आप 50 किलो का सामान ले जा सकते हैं। इसको इतनी सामान इतनी यानी कि 50 किलो तक का सामान ले जाने की छूट है। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट क्लास AC में सफ़र कर रहे हैं तो इस दौरान आप 70 किलो सामान अपने साथ यात्रा कर ले जा सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर इस दौरान जो है आपसे किराया वसूला जा सकता है। साथ ही साथ रेलवे ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा है कि अगर सामान होगा ज़्यादा तो सफ़र का आनंद होगा आधा। अधिक सामान लेकर रेल यात्रा न करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय या फिर लगेज बुक करवाएं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं। अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में ज़रूर बुक करवाएं। रेलवे की तरफ से दो बड़े अपडेट हैं जो कि सामने आए हैं। एक तो कि लगेज बुक में ज़्यादा आपको किराया देना पड़ सकता है, इसको लेकर जो एक भ्रामक खबरें मीडिया में चल रही थी उसको रेलवे ने स्पष्ट किया। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, ज़्यादा लगेज है तो आप लगेज वैन में जो है उसको बुक करवाएं ताकि आप जो है आराम से यात्रा भी कर सकें और साथ ही साथ आपका सामान जो है सेफ्टी से आपके स्टेशन तक पहुंच जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।